नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम जीवन की मुस्कान में। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। जो जितना झुलसता है उतना ही निखर के आता है, जो सहले तकलीफ मेहनत की वो रोज सवरता जाता है। इसलिए सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं से घबराएं नहीं, क्योंकि ये बाधाएं ही आने वाले सुनहरे भविष्य की नींव होती हैं। इसलिए मेहनत करें और अपनी मंजिलों को पाएं। आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपना एक मुकाम हासिल किया, समाज में अपना नाम बनाया और खासकर महिलाओं के लिए वो समर्पित हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काम कर रही हैं और सदैव महिलाओं की सेवा में कार्यरत हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ शालिनी राठौड़ जी का। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस मंच पर आई हैं, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। आज हम पोषाहार पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों, चाहे वो घरेलू महिलाएं हों, चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हों, तो उनके स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह का आहार लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि पोषाहार क्या है। पोषाहार का मतलब होता है पौष्टिक और संतुलित आहार, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखे तथा उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता में विकास करे। एक संतुलित और पौष्टिक आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सभी चीज़ों का समावेश हो, और ऐसा समावेश हो कि वो संतुलित रहे, सब कुछ कोई कम या ज़्यादा ना होने पाए। यह बहुत आसानी से पॉसिबल है। और पौष्टिक आहार अगर लेंगे हम तो कई तरह के रोग होते हैं, जैसे किसी के घर में डायबिटीज़ फैमिली हिस्ट्री में चला आ रहा है या हाइपरटेंशन चला आ रहा है, लेकिन अगर पौष्टिक और संतुलित आहार उनका बच्चा अगर लेता है पूरे जीवन भर, तो उसको वो बीमारियां नहीं होने पाती हैं। जीन्स तो थे लेकिन वो बीमारी उसको नहीं हो पाती है। इसलिए हमारा ऐसा हो आहार कि पौष्टिक भी हो संतुलित भी हो। सुबह से रात तक जो भी खाना खाते हैं हमें उस खाने पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जो भी खा रहे हैं वो आहार हमारा संतुलित हो, स्वस्थ हो, पौष्टिक हो, जो कि हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता में विकास करें। जैसे कि सुबह उठते हैं, सुबह उठ के अपन दूध पी लें, चाय अगर लेते हैं सुबह से, बहुत से लोग चाय लेते हैं, 90% लोग चाय लेते हैं, तो खाली पेट चाय को ना लें, साथ में उसके कुछ भी ले लें, बिस्किट ले लें या नट्स ले लें, जो भी उनको अच्छा लगता है सुबह खाने को वो ले लें। नट्स जब भी लें रात को भिंगोया हुआ ही खाएं उसको। इसके बाद एक दो घंटे के बाद में नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं, दो घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में हमारा ब्रेकफास्ट एक मेजर मील होता है, वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि रात भर के हम भूखे थे, अब सुबह जब ब्रेकफास्ट खा रहे हैं हम, उसको हमारा पेट अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जो भी खाएं वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। इतना सा ध्यान रखेंगे हम तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और रोगों से लड़ने की क्षमता में विकास भी करेंगे। ये सभी के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों या हमारी दिव्यांग महिलाएँ भी हों, जो कि अपने जीवन खाने पीने पर बहुत ही कम ध्यान देती हैं। नाश्ते के बाद में 11 बजे के आसपास कोई भी फ्रूट्स खा लें, फ्रूट्स खाने का मन नहीं है तो थोड़ा सा कुछ भी स्नैक्स में पोहे ले लें, उपमा ले लें, ऐसा कुछ भी खा सकते हैं। एक बजे के आसपास, कई लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि काम में बहुत बिजी हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो खाने का समय का अंतराल है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि हम समय समय पर कुछ कुछ खाते रहें और जो भी खाएं पौष्टिक खाएं। 1 से 2 बजे के बीच में अपना हम लंच कर लें। कई बार हम काम में बिजी होते हैं, लंच टाइम पर नहीं कर पाते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी कर लें, लेकिन जो भी आहार लें वो पौष्टिक लें हम। उसमें हमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, उसमें सैलड भी बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिले बॉडी में, जो कि डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो उनको वो ख़त्म कर सकें। तो जब भी खाएं हम, खाने में हमारे सलाद बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, इसमें फाइबर्स भी होते हैं, फाइबर्स जिससे कि हमारे मोशन ठीक होते रहें, हमारे पेट भी बदहजमी की शिकायत भी नहीं होगी इससे आपको। फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में हमें लेने चाहिए। इसके बाद में दही हो हर दिन हमारे खाने में तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर शाम को 4-5 बजे को स्नैक्स ले लें, स्नैक्स जो भी लें हमारा हेल्दी रहे, जैसे भुने चने होते हैं, मूंगफली होती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि घर में हमारे अवेलेबल होती हैं, तो वो हम खा लें उस टाइम पर। हर दिन चेंज करके खाएं, हर दिन एक ही चीज़ नहीं खाएं, कभी मैं नट्स खा लिए, कभी शाम को कुछ फ्रूट खा लिया 3-4 बजे के आसपास, और शाम को 6 बजे चाय ले ली, बिस्किट ले लिया या आधा ग्लास या एक ग्लास दूध पी लिया। रात में खाना हमारा 8 बजे के आसपास हो जाना चाहिए।
क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो 10-11 बजे के आसपास अक्सर बहुत से लोग सो जाते हैं, तो खाना जब भी खाएं हम अपना मेजर मील रात का लें, वो सोने के 2-3 घंटे पहले ही खा लेना चाहिए हमको, वो लें। उसके बाद रात को 10 बजे के आसपास दूध पी कर थोड़ा वॉक करके फिर सोएं हम। संतुलित आहार में ज़रूरी है कि साथ में हम एक्सरसाइज भी करें, उसके कुछ भी एक्सरसाइज कर लें, टाइम नहीं मिल रहा वॉक कर लें, या ऑफिस आपका थोड़ा सा पहले पार्किंग से लेकर ऑफिस ऐसा पार्किंग करें आपकी, थोड़ा सा वॉक करते हुए ऑफिस तक पहुँच जाएँ आप जी। तो इस तरह की चीज़ें अपन करें जी, जिससे कि हमारा आहार संतुलित रहे, हम स्वस्थ भी रहें जी और खुश भी रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि दिनचर्या में हमें क्या खाना चाहिए, रोज़ की दिनचर्या में हमें किन किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि खाना हमें आयु के हिसाब से खाना चाहिए, उम्र के हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। तो अगर हम किशोरियों की बात करते हैं, 12 साल तक की जो किशोरियाँ होती हैं उनमें काफ़ी फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, तो उन बच्चियों के लिए, उन किशोरियों के लिए किस तरह का खाना होना चाहिए, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है कि जो किशोरियाँ होती हैं, लड़के भी हैं लड़कियाँ दोनों घर पे होते हैं, लेकिन किशोरियों को माहवारी भी स्टार्ट हो जाती है 11-12 साल की उम्र से, ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य में तेज़ी से गिरावट भी आती है। इसलिए इनसे अनुरोध है कि इनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें। किशोरियाँ कई बार हेल्थ कॉन्शियस भी होती हैं कि मोटी ना हो जाऊँ, ऐसा भी होता है, और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी मोटी ना हो जाए, तो कम खाना खिलाते हैं उनको और इतना उस पर ध्यान देते भी नहीं है, और पैम्पर भी ज़्यादा बच्चों में लड़कियों को किया जाता है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन हम ध्यान दें, जितने भी माता पिता हैं अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वो जो भी खाना खिला रहे हैं उनको पौष्टिक खिलाएं, क्योंकि माहवारी में प्रत्येक माह उनका खून का स्राव भी होता है, तो उसकी कमी को पूरा करना है हमें। इसके लिए उनको आयरन की टैबलेट्स समय से उनका हीमोग्लोबिन चेक करवाते रहें और आयरन की टैबलेट्स उनको देते रहें। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही आयरन खाएं, जब भी उनको लगे कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल जंक्स ज़्यादा खाते हैं, तो जंक्स को नहीं खिलाएं, घर पे ऐसा खाना बनाएं कि वो जंक जैसा ना हो, और उनको उनके ऐसे पिज़्ज़ा खाना है उनको, तो पिज़्ज़ा के लिए खाखरे या कोई भी रोटी बेल के, थोड़ी सी हार्ड रोटी बेल के उसके ऊपर पिज़्ज़ा जैसे टॉपिंग्स करके, और घर का बना हुआ उसे मक्खन और चीज़ डाल के उसको बना के दें उनको, बच्चे खाएंगे उसको प्यार से और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और उनके खाने में इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उनको जो भी खाना खिलाएं उससे उनके आयरन की पूर्ति होती रहे। इस उम्र में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चियों की हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं, मसल्स भी बन रही होती हैं, और उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे होते हैं, तो इन चेंजेस को ध्यान में रखकर हमें उनके खाने में प्रोटीन का एक्स्ट्रा समावेश करना होता है। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि 1 ग्राम प्रोटीन 1 per kg बॉडी वेट चाहिए होता है जी। लेकिन इन बच्चियों को 1.5 ग्राम प्रोटीन 1 kg बॉडी वेट चाहिए होता है। तो ऐसा जो भी वो 4-5 साल हैं उनके, उस टाइम पर अगर अच्छा खाना खाएंगे तो उनका बाद का जो जीवन आगे आने वाला है वो उनका अच्छा बीतेगा, क्योंकि प्रोटीन अच्छे से खाएंगे तो उनके सारे अंग अच्छे से बनेंगे जी। और खाने में नट्स को ज़रूर समावेश, नट्स में आयरन होता है, किशमिश है, अखरोट दें उनको, बादाम दें उनको, जो भी नट्स दे रहे हैं उनको रात को पानी में भिंगो दें और फिर सुबह उन किशोरियों को दें खाने को। आपके लड़के भी हैं घर में, उनको भी दे सकते हैं, सभी को ऐसा कर सकते हैं। और कई बार देखा गया है कि दिव्यांग बच्चे भी होते हैं तो उनके लिए माता पिता का बहुत ज़्यादा स्नेह भी होता है, लेकिन उस स्नेह में उनको जंक फूड ना खिलाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी कैटाबॉलिज्म उनका हाई होता है, इसलिए उनके खाने में प्रोटीन का अच्छे से समावेश करें जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताई आपने कि प्रेमवश होकर बच्चों को जंक फूड ना खिलाएं, क्योंकि ये हमें बीमारियां देता है, और घर का खाना खिलाएं ताकि हम बीमारियों से बचे रहें, क्योंकि कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया, कि हमारी काया स्वस्थ रहेगी तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगी कि किशोर अवस्था के बाद एक वयस्क अवस्था आती है जब एक महिला की शादी भी होती है, वो गर्भधारण भी करती है। गर्भधारण की जो अवस्था होती है उसमें पेट में पलने वाले शिशु को भी पूरा आहार चाहिए होता है, उस माँ को भी पूरा आहार चाहिए होता है। तो यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, चाहे वो शहर की हों, चाहे वो गांव की हों, चाहे वो विशेष दिव्यजन हों, तो उनके लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या वो खाने में समाहित करें अपने? जैसे महिला जितनी भी महिलाएं होती हैं 18 से 45 ईयर तक की एज ग्रुप की, उनमें एक प्रजनन क्षमता के हिसाब से उनको खाना खाना चाहिए। एक महिला को 2200 से 2800 कैलोरी पर डे की चाहिए होती है, जैसे उसका बॉडी वेट है, हाइट है, उसके हिसाब से 2200 से 2800 कैलोरी पर डे की उनको चाहिए होती है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं
उनको ये ध्यान जरूर रखना है कि जो भी बच्चा अंदर पल रहा है उस बच्चे के सब कुछ सारे बॉडी के पार्ट्स उनके शरीर से ही बन रहे हैं, उनका उनकी बॉडी का ही आयरन जा रहा है उस बच्चे के खून बनाने में, उनकी बॉडी का प्रोटीन जा रहा है उस बच्चे के विभिन्न अंगों को बनाने में, कैल्शियम जा रहा है उसकी उनकी बॉडी का ही जा रहा है सब कुछ, कैल्शियम भी जा रहा है उस बच्चे की हड्डियाँ बनाने में। तो माएँ सोचती हैं कि अब प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है जबकि पेशेंट को खाने का मन भी नहीं करता है, वो बाकी आती हैं खाने का मन नहीं करता, खाने को देख के अजीब सी मछलियाँ उनको शुरू हो जाती हैं। तो मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है और जो अच्छा लगे आपको वही खाएं, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बच्चे को अंदर खाना नहीं मिलेगा, बच्चे को अगर खाना नहीं मिलेगा तो विकास अच्छे से नहीं होगा, साथ में आपके शरीर में जो कमियाँ आ जाएंगी कैल्शियम की कमी आ जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है बाद में। तो जो अच्छा लगे वही खाओ। फर्स्ट के 3 मंथ होते हैं तो पेशेंट को मना नहीं करते हैं, सपोज थोड़ा जंक भी खा लिया उसने तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ तो खा रही है कुछ तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन जो जंक भी खा रहे हो आप उसमें हमेशा देखो इस बात का कि उसमें टमाटर हो आपका, अनियन हो उसके, मतलब जो भी चीज़ें थोड़ा सा रॉ चीज़ें हों तो खाने में आपके स्वाद भी आएगा और आप खाना भी खा सकोगे। रोटी खाने का मन नहीं कोई बात नहीं चावल खा लो, दाल खाने का मन नहीं करता कई बार दाल को देख के बाकी आती हैं दाल नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, बीन्स कई सारे होते हैं, राजमा होता है, छोले होते हैं वो खा लो, आप चटपटा खा लो। चाट खाने का मन है तो जो छोले होते हैं उनको रात को भिंगो के मिक्सी में पीस के उनकी टिकिया बना के खा सकते हैं, तो इनसे प्रोटीन मिल जाता है हमें। जी बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि जो खाना है वो बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, बहुत ओवर ईटिंग भी नहीं होनी चाहिए और ऐसा भी नहीं कि हम भूखे रहें, तो वो हमारी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो विशेष दिव्यजन महिलाएं हैं या कामकाजी महिलाएं हैं जो सुबह से शाम तक काम करती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हम काम में बिजी होते हैं तो हम खाने खाना भी भूल जाते हैं या प्रॉपर हमें जो डाइट लेनी चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में क्या और सप्लीमेंट्स हो सकते हैं या और क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं कि अगर खाना नहीं खा पाएं तो हम ये भी खा सकते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली क्या होता है जितनी माएँ होती हैं हमारी जी उन सबका सबका ऐसा ही हाल होता है कि वो बच्चों को खाना खिला देंगे, स्कूल भेज देंगे, फिर पति का टिफिन पैक करके खाना खिला के उनको ऑफिस भेज देंगे, फिर खुद भी उनको ऑफिस जाना होता है तो खुद कुछ भी खाया नहीं खाया पानी पी के ऑफिस भाग जाते हैं वो। तो यही बताना है उनको कि चूंकि वो अभी उनकी यंग एज है इस टाइम पर वो नहीं भी खाते तो उनको कुछ कमजोरी महसूस नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी तो ये कमजोरियाँ उनको दिखने लग जाती हैं, एसिडिटी होना, पेशेंट कई बार आते हैं एसिडिटी के लिए खाना टाइम से नहीं खाते, मेन प्रॉब्लम तो यही थी उनकी एसिडिटी होना, बाद में उनके बैकबोन बैक हो जाता है, थोड़ा सा गिर गया तो हड्डियाँ टूट जाती हैं हाथों की। तो इससे बचने के लिए हम जो एक्चुअली पौष्टिक आहार का कोई विकल्प होता ही नहीं है, आप सुबह बच्चों को नाश्ता दे रहे हो उस टाइम खुद भी 5 मिनट बैठ जाओ साथ में उनके, बिल्कुल आप भी खा लो साथ में, तो ये बहुत ज़रूरी है। पति को आप खाना खिला के भेज रहे हो खुद भी साथ में बैठ जाते हैं उसके 2 मिनट खा लेते हैं आप, टाइम कितना लगता है उस टाइम पर कुछ कर भी नहीं रहे होते, बातें कर रहे होते उनसे, आप बातें नहीं करो साथ में खाना खाते खाते बातें भी कर लो और आपका आहार पूरा हो जाएगा। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है और 80% महिलाएं हमेशा अपना ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं। इसके बाद आप जैसे ऑफिस जा रहे हो रास्ते में अपने पॉकेट में नट्स रख लो, नट्स खा लो रास्ते में, ऐसी बहुत सी छोटी चीज़ें होती हैं, या लड्डू बनवा लो घर पे अपने, आप खुद लड्डू बना सकते हो, वो नट्स के लड्डू बनते हैं लड्डू बना के खा सकते हो आप। मूँगफली है, रात को मूँगफली भिगोई थी हमने, मूँगफली को टिफिन में रख के हॉस्पिटल मतलब कि जहाँ भी जा रहे हो आप वहाँ ले जाओ, वहाँ पर 20 मिनट ब्रेक होता है 5 मिनट का ऑफिस में, ऑफिस आवर में 11 बजे का ब्रेक हर जगह ही होता है, उस टाइम पर उनको खा लो आप बजाय कि वहाँ पकौड़े या समोसे खाने के। इस तरह ऐसी चीज़ें करके अपन अपने आहार को स्वस्थ कर सकते हैं, पौष्टिक कर सकते हैं। घर पे आकर भी वहाँ पे हमेशा ऑफिस में बहुत से लोग काम करते हैं चाय बहुत पीते हैं, तो चाय की जगह हम वहाँ पर ऐसा घर से बॉटल लेके जाएं उसमें पानी में कुछ मिंट्स की पत्तियाँ डाल दें, और जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं मिर्च की पत्तियाँ, धनी हरी धनिया की पत्तियाँ डाल दें उसको, वो पानी पिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे उनको, तो चाय की जगह वो पी सकते हैं, इस तरह की चीज़ें करें। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आप हमको बता रहे हैं और बहुत सारी जानकारी हमें दे रहे हैं। यहाँ मैं उन ग्रामीण महिलाओं की बात करना चाहूँगी जो खेतों में काम करती हैं, और यकीनन उनका जो काम होता है जो वो काम करती हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होता है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें शिक्षा का कुछ अभाव भी रहता होगा और जो उन्हें चाहिए वो ईजीली अवेलेबल नहीं भी हो पाता होगा, तो ऐसी जो महिलाएँ हैं उनको किस तरह का खाना खाना चाहिए, उनको ऐसा क्या आहार लेना चाहिए जो पोषण से भरपूर हो जिसे वो पोषाहार कह सके।
गांव में तो बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। एक्चुअली गांव की महिलाएं काम बहुत ज़्यादा करती हैं और खाना बहुत कम खाती हैं। उनको कम से कम 3000 कैलोरीज पर डे की चाहिए होती हैं। प्रोटीन भी उसी मात्रा में चाहिए होता है, अनुपात में चाहिए होता है इनको। तो उनसे तो मेरा यही अनुरोध है कि जैसे घर में छाछ है, दही है, दूध, सब कुछ अवेलेबल है घर में, लेकिन वो खाते नहीं है। जब भी खेतों पर काम करने जाओ या कहीं भी जाओ, आप घर से दूध दही छाछ ही पीकर तब जाओ। आप रोटी साथ में डाल दो, रोटी टुकड़े डाल दो उसमें, राबड़ी बना सकते हैं घर पे, वो सबको राबड़ी दे रहे हैं, साथ में खुद भी राबड़ी पी लें। खेत पे जा रहे हैं तो रोटी को छाछ में डाल के मुलायम करके उसको खा सकते हैं वो। खेतों पर भी उनको मतलब चने वने सब कुछ अवेलेबल होते हैं वहाँ पर। तो गांव में तो खाने की तो कोई कमी ही नहीं है, इतना सारा खाना होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर तो खाने के घी होते हैं, मक्खन होता है, तो वो सब अपनी बेटों को भी खिला रहे हो, अपनी बेटियों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़रूरत है। एक हमेशा जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना फ्लाइट में, तो हमेशा बोलते हैं कि पहले अपनी बेटियां लगाएं फिर बच्चों को देखें आप। बिल्कुल, जिनके बच्चे 2 साल से कम के होते हैं उनके लिए माँ की सीट सी होती हैं। तब भी वहाँ पर यही बोला जाता है कि पहले खुद की बेटियां बांधें, और पहले खुद को ही जो फ्लाइट में जो मेजर समझाए जाते हैं, पहले खुद को सेव करो आप, फिर अगले का ध्यान रखो आप। तो अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके बच्चों का ध्यान कोई कैसे रखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने शरीर का ध्यान ज़रूर रखें आप, क्योंकि अपने अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाओगे आप तो बच्चे का ध्यान कैसे रख पाओगे, खुद बीमार रहोगे। फिर बहुत से पेशेंट गाँव से आते हैं जिनको कि इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज होती हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। वो क्यों होते हैं इन्फेक्शन? उनको इसलिए होते हैं कि खाने पर ध्यान देती ही नहीं है, वो प्रोटीन्स खाती ही नहीं है वो। जब गाँव में अच्छी हवा है, ताज़ी हवा है, उनको तो इन्फेक्शन होने ही नहीं चाहिए। तो इम्यूनिटी बॉडी की वीक हो जाती है ना, इसलिए तो इन्फेक्शन होते हैं। खेतों में काम कर रहे हैं, गाँव में उनके गायों के दूध निकालते हैं, सब चीज़ें बहुत सारे काम करते हैं वो। तो जो भी आप दूध भी निकाल रहे हो तो खुद के लिए भी तो पियो उसको। बिल्कुल, क्या सब कुछ बेचने के लिए नहीं भेजते हो, बच्चों को सब कुछ नहीं पिलाते हो, खुद के लिए भी तो करो आप। आप खुद ही कुछ के लिए नहीं करोगे तो आप एक दिन बेड पर लेट जाओगे, घर में कौन काम करेगा? घर में काम तो आपको ही करना है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि खुद का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमारे घर वालों का हम ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार का हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ मैं एक बात पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, आजकल का जो रहन सहन है, पहनावा चल रहा है या खान पान चल रहा है, उसमें ज्यादातर महिलाओं को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वजन बढ़ना, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाना। तो इसमें किस तरह का खाना होना चाहिए, क्या इसमें व्यायाम भी करना चाहिए, और किस तरह का खान पान और व्यायाम हम सम्मिलित करके एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल पीसीओडी के पहले पेशेंट आते थे 100 में से केवल 4-5। जी, अभी से अभी तो इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट आते हैं ना, उसमें से 100 में से 80 पेशेंट तो पीसीओएस के ही होते हैं। जी, छोटी सी चीज़ होती है ये। बचपन से जो बच्चियां हमारी हैं, मोबाइल पे गेम खेलना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी पूरी खत्म हो चुकी है। तो आजकल यंग एज के बच्चे ही आ रहे हैं जिन्हें मोटापे की तकलीफ, मोटापे की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, और साथ ही पीसीओएस की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उनमें। तो उनको हमेशा ही बोलती हूँ मैं कि कुछ भी एक्टिविटी तुम्हें करनी है, स्किपिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, कुछ भी तुम्हें करना ही करना है। क्योंकि पीसीओएस होता क्यों है, हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के, वो ओवरी में भी होते हैं, तो अंडाशय को हमारे वो सुला देते हैं, मतलब वो सुप्त हो जाता है, तो अंडे बन ही नहीं पाते फिर हमारे, और इसलिए आगे चल के उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसलिए उन सभी से यही अनुरोध है, खाना पूरा खाओ, पौष्टिक आहार खाओ, जंक नहीं खाओ। ऐसे घर में लोग बोलते हैं ना कि मैं मोटापा बहुत बढ़ गया, लेकिन मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ। जी, खाते कैसे नहीं हो आप? घर में बीकानेरी भुजिया होती है वो खा लेते हो आप, या बिस्किट रखा है वो खा लिया आपने, ये भी जंक ही होता है। तो जब भी इस आदत को आपको कट करना है, इसको सुधारना है आपको, कि जब भी भूख लगे आप कुछ खाओ। कुछ खाने का मन कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, सामने बिस्किट रखा हुआ है, मिठाई रखी, वो नहीं खाओ आप। पानी पी लो उस टाइम पर, सौंफ खा लो उस टाइम पर, कुछ भी खा लो, लेकिन ये जंक्स नहीं खाओ। जंक्स बहुत ही ज़्यादा, कई बार पेशेंट आते हैं जिनको डायबिटीज़ होता है, और पेरेंट्स की फैमिली पूरी, माँ भी डायबिटिक है, पापा भी डायबिटिक है, और पेशेंट बहुत यंग एज में 30 या 25 में पेशेंट डायबिटिक आ जाते हैं आजकल। तो यही ध्यान हमें बचपन से, जब किशोरावस्था में बच्ची आती है ना, तभी से ध्यान रखना है हमें इस बात का, कि जब बच्ची किशोरावस्था में प्रवेश कर रही है, उसको जैसे दूध दें अपन, तो बिना चीनी का दूध भी पी सकते हैं बच्चे। चीनी जरूरी कि बच्चे को चीनी देना बहुत ज़रूरी, चीनी क्यों दे रहे हो उनको आप? चीनी तो हमारे जहर है। दूध में हमारे लैक्टोज शुगर वैसे ही अपने आप ही पहले से ही मौजूद है। जी, चीनी की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। दूध बिना चीनी का दो उनको आप। जो भी खाना खा रहे हैं उसमें देखो कि हम ऐसा कुछ भी ना दें बच्चों को जंक हो, या फिर जो हमारी आनुवंशिक बीमारियाँ हैं वो बच्चों में प्रवेश कर सकें। क्योंकि जो भी आनुवंशिक बीमारियाँ होती हैं, 50% होता है कि जेनेटिक जीन से आ रहे हैं हमारे, 50% है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं।
आसपास क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हमारी एक्टिविटी कैसी है, इस पर ध्यान देना होता है हमें। अगर हमने कंट्रोल कर लिया अपनी एक्टिविटीज़ को और अपने खान पान को तो हमें बीमारियाँ नहीं हो पाएंगी। इसलिए सभी माओं को ये बोलना है कि, और उनके फादर तो बच्चों को तैयार करते ही हैं, ये फादर इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा लाड़ के बजाय बच्चों को ये देखें कि बच्चे खाना क्या खा रहे हैं, उनकी एक्टिविटी कैसी है, मोबाइल पे गेमिंग नहीं करते रहें, कुछ बाहर घूम के तो आएँ, ताज़ी हवा में सांस तो लें, सुबह जल्दी उठ जाया करें थोड़ा सा। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताई, और मैं भी बचपन से सुनती आ रही हूँ कि तीन सफ़ेद चीज़ें नमक, मैदा और चीनी, इनसे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान देती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम अगर बात करें कि विशेष योग्य जन जो महिलाएं हैं या किशोरियाँ हैं जो अपना अच्छे से ध्यान नहीं रख सकती या किसी ना किसी अभाव के कारण पोषाहार नहीं ले सकती, उनके लिए किस तरह का रूटीन होना चाहिए, किस तरह का पोषाहार उनके लिए होना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करेंगे? जितनी भी दिव्यांग महिलाएं या बच्चियां हमारी जो भी हैं, उन्हें एक तो संकोच रहता है कि मैं बार बार खाने को मांग रही हूँ या कुछ भी, उनकी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट थोड़ा हाई रहती है तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा खाना देना होता है हमको। लेकिन होता क्या है कि हम उन्हें कम खाना देते हैं कि वो तो कुछ, कई बार तो दिव्यांग महिलाएं मतलब कुछ भी है वो उनका काम सेटिंग काम ज़्यादा होता है, सोचते हैं कि नहीं सेटिंग काम ज़्यादा है तो उनको कम खाना दें, ऐसा नहीं है। उनकी बॉडी की हमारी मेटाबॉलिक रेट हाई होती है, प्रोटीन अच्छे से देना है, प्रोटीन और एनर्जी का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी जितने भी हैं दिव्यांग, वो सब कुछ करते हैं, सारा काम करते हैं, वो फ्लाइट चलाते हैं, घर में काम करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, कई सारे काम करते हैं वो, फिर बच्चों का फिर गर्भधारण भी करते हैं, बच्चों को पैदा भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उनका ध्यान वैसा ही रखना जैसे कि हम बाकी महिलाओं का ध्यान रख रहे हैं। हम ये नहीं कि वो बैठ के काम कर रहे हैं केवल, तो उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत है या कम प्रोटीन की ज़रूरत है, उनके खान पान का विशेष ध्यान रखना है। और संकोच में कई बार वो लोग खुद से नहीं बोलते या कि कोई क्या सोचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसे हम हैं वैसे ही वो भी हैं, तो खाने पीने का ध्यान उनका बहुत अच्छे से रखना है और प्रोटीन की मात्रा उनकी अच्छी होनी चाहिए, मिनरल्स की, फाइबर्स की, इन सब की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। कई बार कि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट कई बार चल नहीं पाते हैं और तो उनकी वॉकिंग की वो कम हो जाती है, तो वॉकिंग कम रहेगी तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उनको, इसलिए फाइबर्स उनकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, प्रोटीन और फाइबर्स दोनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो विशेष योग्यजन महिलाएं हैं या किशोरियां हैं उनके स्वास्थ्य का तो खासकर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो गॉड का गिफ्ट होती है, उनके लिए कोई अभिशाप नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि एक उम्र जो होती है, जिस उम्र में आप हैं या मैं हूँ, वयस्कता की उम्र जो होती है, इसमें हम चाहे कुछ खाएं तो वो पच भी आसानी से जाता है, लेकिन एक वृद्धावस्था जो आती है उसमें हम खाते हैं और वो पचता नहीं है, उसके लिए हमें वर्कआउट करना होता है लेकिन शरीर हमारा साथ नहीं देता, तो ऐसे क्या सरल चीजें हम खाएं वृद्धा अवस्था में कि हमें पोषण भी मिले, हमारा शरीर स्वस्थ भी रहे? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, 20 पे कुछ और रहता है, 30 पे कुछ और हो गया, 35 पे, 40, 50, ऐसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। कई लोग बोलते हैं थोड़ा सा भी खाते हैं बॉडी को बहुत ज़्यादा फैट बन जाता है बॉडी में और हम गैस बन जाती है, भारीपन लगता है, चल फिर नहीं पाते फिर, तो उन सब से यही अनुरोध है कि आप जो भी खाएं उसमें फाइबर्स अच्छी मात्रा में होने चाहिए, और चूंकि उम्र हमारी बढ़ रही है तो बॉडी में वेयर एंड टेयर बहुत होता है उस टाइम पर, प्रोटीन भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है उसकी, ऐसे बीन्स हैं, राजमा है, लेकिन राजमा खाएंगे तो फिर बोलेंगे हमें गैस बन रही है, भारीपन फील हो रहा है, तो वॉक करना उनकी दिनचर्या में कुछ भी करें लेकिन वॉक करना बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम दोनों टाइम कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम की ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ज़रूरी है उनके लिए। उनमें ये भी है कि घुटनों में दर्द हो जाता है, वॉक कैसे करें? घुटनों में दर्द तभी होता है जबकि हम कम वॉक कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी वैसी आदत बन जाती है, तो स्टार्टिंग से हमारे बचपन की हमारी स्टार्टिंग की जो सीढ़ी है ना किशोरावस्था से बचपन से, वॉक करना एक नियम में शामिल कर लेना चाहिए कि वॉक हमें करना ही करना है। इसके अलावा उनके खाने में हाई फाइबर डाइट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर कुछ भी बॉडी की मूवमेंट, बॉडी की मतलब कि बॉडी की मूवमेंट, पैरास्टेटिक मूवमेंट बॉडी के हाथों की, वो भी कम हो जाते हैं हमारे, तो इसलिए हमें खाने में फाइबर्स होना बहुत ज़रूरी है, मिनरल्स का पर्याप्त समावेश होना चाहिए, और जो भी खाने सुपाच्य हों उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए। वैसे भी इस उम्र में खाने का जंक फूड बहुत ही कम लोग खाते हैं, जो भी खाएं सुपाच्य खाएं, हैवी खाना खाना है तो आपको वॉक तो करना ही होगा। जी तो डॉक्टर साहब कहने का मतलब ये है कि उम्र चाहे कोई भी हो लेकिन हमें एक बैलेंस्ड डाइट रखनी चाहिए और व्यायाम को हमारी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि हम रोगों से दूर रहें,
क्योंकि कहते भी तो हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो डॉक्टर साहब आज आप यहाँ पर आए हैं इस मंच पर जीवन की मुस्कान कार्यक्रम में आप आए, बहुत सी जानकारी आपने दी और मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं को हमारे दर्शकों को भी बहुत सी जानकारी मिली होगी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शालिनी राठौर जी और अब आपसे भी विदा लेने का वक्त आ रहा है, लेकिन इस बात का वादा कीजिए कि अपने खाने को पौष्टिक रखेंगे, पोषण से युक्त रखेंगे, पोषाहार खाएंगे ताकि आपके जीवन की मुस्कान यूं ही बनी रहे। नमस्कार।